खबर फरुखाबाद से है। पुलिस चौकी के सामने भाजपा नेता के होटल पर संघर्ष हो गया, जिसके चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें भाजपा नेता को भी गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में कर्नलगंज चौकी के लगभग सामने भाजपा नेता पूर्व नगर महामंत्री गौरव कटियार का होटल है। गौरव का आरोप है कि शनिवार शाम लगभग 7 बजे उनके होटल पर अनिल गुप्ता पुत्र मुन्ना लाल गुप्ता, मनोज विनय रामदास आदि निवासी भोलेपुर एक ठेली वाले से रंगदारी लेते हैं। जब गौरव ने विरोध किया तो आरोपी हमलावर हो गए और होटल का सामान सड़क पर फेंक दिया गया तथा तमंचे की बट से सिर पर हमला कर दिया, जिसे नाक पर गंभीर चोट आई है। मारपीट के दौरान लेखपाल ने जान से मारने की नीयत से अपने रिवॉल्वर निकाल कर तान दी। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ लिया है। वहीं भाजपा नेता के होटल पर व भाजपा नेता के साथ हुई घटना की सूचना मिलने पर मंडल महामंत्री शिवम दुबे, भाजपा नेता गुंजन अग्निहोत्री, दीपक दुबे आदि लोग मौके पर आ गए। उन्होंने पुलिस चौकी जाकर पुलिस से वार्ता की। मामले पर फतेहगढ़ कोतवाल जेपी पाल ने मौखिक रूप से बताया कि दुकान को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट हुई, अभी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं आपका गौरव कटियार, पूर्व महामंत्री, कहाँ के रहने वाले हैं? भोलेपुर थाना फतेहगढ़। अच्छा, क्या घटना हो गया आपके साथ? भोलेपुर में एक लड़का है कुलदीप, वाल्डनी का रहने वाला है, वो पापड़ी का ठेला लगा था भोलेपुर में, कई वर्ष से लगा रहा, गरीब आदमी, रोज कमाने कमाने वाला। तो बगल में उसकी दुकान पर ना अनिल गुप्ता जब्बू है, वो अनावश्यक रूप से उसे परेशान कर रहे, उसकी दुकान हटवा दी। तो उसने मुझसे बोला, मैं पहुंचा था। कहाँ पे दुकान है इसकी? भोलेपुर क्रॉसिंग फुटपाथ पे लगा। हमने कहा गरीब आदमी, उसकी मदद करो यार, उसको तुम्हारा तो पक्का काम चल ही रहा। इसी रंजिश में वो शाम को 30-35 लोग आए, बोले ये हम वो हमको 200 रुपये देगा तो हम लगाएंगे, नहीं लगाएगा ये सब वो कहकर मारपीट की। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ, हमारे साथ। अच्छा, तो क्या दुकान पे तोड़ फोड़ की? अच्छा, आपकी दुकान पे भी तोड़ फोड़ की? तो क्या दबंग लोग हैं? अच्छा, सपा के आयतित लोग हैं। अच्छा, सपा में दाल गल नहीं रही तो अब इस तरीके की घटना। अच्छा, तो दबंगई कर रहे हैं। अच्छा, तो इस मामले में आपने पुलिस सूचना दी है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की कुछ? मेडिकल कराकर मुकदमा पंजीकृत करने का। अच्छा, अभी गिरफ्तारी किसी को हुई अभी तक? तीन लोग हिरासत में हैं। अच्छा, हिरासत में।